भाजपा की महिला कार्यकर्ता को फोन पर मिली धमकी, महिला पहुंची गंज थाने, कहा कांग्रेसी को हो सकता है काम। गंज थाने पर आज एक टीना मुयल नामक भाजपा कार्यकर्ता पहुंची। टीना ने बताया कि इसके पास 3 बजे के लगभग एक कॉल आया और टीना को धमकी दी गई। टीना ने बताया कि इसने कई बार नाम पूछना चाहा लेकिन वह कुछ भी नहीं बोला। टीना ने जब नंबर की जांच करी तो किसी नीरू सिंह का नाम सामने आया। अब टीना डर के मारे गंज थाना पहुंची और मुकदमा दर्ज करवाया। टीना का ये भी आरोप है कि ये किसी कांग्रेसी का काम हो सकता है। ये बीजेपी की कार्यकर्ता आज करीबन दोपहर 3:15 पर मेरे पास एक कॉल आया। कॉल आया, एक सर थे, पता नहीं कौन थे, मैं नहीं जानती, बट उन सर ने मुझे यही कहा कि बहुत तेरी जबान चलती है, हाँ, और तेरी जबान तेरे हलक से निकाल कर मैं आधे घंटे में हाथ में दे रहा हूँ। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मेरा यहाँ अजमेर क्या आसपास के क्षेत्र में भी कोई दुश्मन नहीं है, तो ये पूरी कहानी शायद मैं कांग्रेसियों पे क्रेडिटेड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा अजमेर में क्या यहाँ तक कि दूर के आसपास तक के एरिया में कोई भी दुश्मन नहीं, तो मैं गंज थाने उसके विरुद्ध कोई एप्लीकेशन लिखने आई हूँ, कंप्लेन करने आई हूँ कि मैं क्या अकेली हूँ, मेरे घर में कोई है नहीं, बस मेरी मम्मी है, तो मेरे को क्या जान माल धन की सबकी हानि है। वो इंसान बहुत डेंजर था जो भी था ये, पर मेरा ये दावा है कि वो 101% कांग्रेसी था। कल का ही चुनाव समाप्त हुआ है, अभी तो 23 तारीख रिजल्ट तक है, आज ही धमकी आई है मेरे पास, तो सर प्लीज। नाम नहीं पता है ट्रू कॉलर पे उसका नाम नीरू सिंह आ रहा है, नाम मैं नहीं जानती। मैंने तभी तो पूछा, मैंने कहा सर आप कौन बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, वो बोला ही नहीं, बस उसने मुझे ये कहा बस तू आधा घंटा रुका। मुझे घर जाने में भी एक डर महसूस हो रहा है। अभी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ मैं गंज थाने पे कंप्लेन लिखवाने आई हूँ उसके विरुद्ध, ये है। नहीं, मैं सुरक्षा ये चाहती हूँ कि यहाँ के लोग उस नंबर पर ही उसे यहाँ से कॉल करके थाने पे घसीटा जाए, हाँ, कि कौन है आज जो एक औरतों पे इतनी गंदी गंदी भाषाएं यूज कर रहा है। वो पता नहीं मुझे क्या क्या बोल रहा है कि तू ऐसी है, तू वैसी, जब तक कि मैं जानती नहीं हूँ, और उसकी रिकॉर्डिंग तक मेरे मोबाइल में सेव है। ये है आपका नाम और कहाँ रहती हो? मेरा नाम टीना मोयल है, मैं रावत नगर फायसागर रोड पे रहती हूँ।